नमस्कार, आप सुन रहे हैं एनएमसी न्यूज। मैं हूं कृष्णा चतुर्वेदी और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइन पर। ईडी निदेशक का सेवा विस्तार अवैध, गलत दिशा से आ रही बस ने छह जाने ली। अनुच्छेद 370 हटाने पर शीर्ष अदालत सुनवाई करेगी। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% की GST लगेगा। यमुना का जलस्तर और बढ़ा और हजारों लोग हटाए गए। अब खबरें विस्तार से। ईडी निदेशक का सेवा विस्तार अवैध रहा है। उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के तीसरे सेवा विस्तार को मंगलवार को अवैध करार दिया है। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही उनका विस्तारित कार्यकाल भी 31 जुलाई तक सीमित कर दिया है। गलत दिशा से आ रही बस ने छह जाने ली। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। गलत दिशा में आ रही बस ने सामने से आ रही कार से भिड़ गई। हादसे में कार सवार एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अनुच्छेद 370 पर शीर्ष अदालत सुनवाई करेगी। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के पर केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त को रोजाना सुनवाई होगी। इसके लिए गठित संविधान पीठ ने मंगलवार को सभी पक्षकारों को लिखित प्रतिवेदन और दलीलें एवं दस्तावेज 27 जुलाई तक पेश करने को कहा है। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगेगा। ऑनलाइन गेमिंग कसिनो घुड़दौड़ पर 28% GST लगेगा। GST परिषद की मंगलवार को हुई 50वीं बैठक में यह फैसला लिया गया। यमुना का जलस्तर और बढ़ा, हजारों लोग हटाए गए। यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। सोमवार को खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर चुकी यमुना ने मंगलवार शाम 206.64 मीटर तक पहुंच गई। इसी तरह से देश विदेश की खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए एनएमसी न्यूज के साथ। धन्यवाद।